देखिए पूरी तरीके से तानाशाह रवैया नीतीश कुमार जी ने अपनाने का काम किया। वो शायद ये भूल गए हैं कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, वैशाली में से शुरुआत लोकतंत्र की हुई थी और सभी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल और अभिव्यक्ति आज़ादी है कि अपनी आवाज़ को वो रख सकते हैं। नीतीश कुमार जी को लगता है अगर किसी के मुंह में ताला लगा दिया जाए या डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, तो वो उनकी सरकार की बुराई नहीं करेगा, क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। और कोई भी समाजवादी नेता जो है क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है। नीतीश कुमार जी की इतनी नाकामियां हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही जब जनता के बीच से आवाज़ें आती हैं नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं, ये उनसे सुना नहीं जाता। 50-60 घोटाले हो चुके हैं इनके शासनकाल में, लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चमड़ा सा गया है। बालिका गृह में देखा आपने, IAS एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखा कि जदयू के लोग जो हैं वो शराब बिकवाने का काम करते हैं, तो लोग बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, ये हमारा राइट है। और जहाँ भी धरना होता है, धरना स्थल जो सरकार ने चिन्हित किया है, धरना आप नहीं देने देते लोगों को, वहाँ लाठी से भगाते हो, सोशल मीडिया के लिए आप अलग से कानून लाते हैं, ये तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि भाई ये जो लोकतंत्र की जननी जो है वैशाली बिहार, उसका आप पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी मौखाल उड़ा रहे हैं। तो इस कानून को तो अविलंब जो है वापस लेना चाहिए। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूँ, अगर उनमें दम है तो मुझे गिरफ्तार करें, हमने ट्वीट के माध्यम से भी कहा और अभी भी मैं कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि नीतीश कुमार जी भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार के। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। नीतीश कुमार जी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो गिरफ्तार करें। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इससे लोग डरेंगे? कोई भी अधिकारी जो करप्शन करते थे या जो विधायक मंत्री किसी पार्टी को, अब ऐसे में तो लोग डरेंगे? आप देखिए ना, मंत्रियों के खिलाफ मत बोलो, सरकारी कामों के बारे में मत बोलो, मुख्यमंत्री के बारे में मत बोलो, अधिकारियों के बारे में मत बोलो, तो क्या करेंगे? हर एक स्कीम में, सरकारी योजनाओं में घोटाला हो रहा है, क्या हम बोलना बंद कर दें? कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दें? सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है तो उसके खिलाफ हम बोलना बंद कर दें? ये खताप ही नहीं हो सकता। कोई भी कानून लाए, जेल डालना है डालें, लेकिन डरता कौन है इनसे? जो सच है वो बोलेंगे।